नोवेल कोरोना वायरस से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। भारत में भी कई तरह के एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं और झारखंड सरकार ने भी कल ही अपने फैसले में कई तरह के आदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम हैं, खास करके जो सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसे बंद करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जो तमाम मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, थिएटर्स वगैरह हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, तमाम चीज़ों को फिलहाल 14 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है और वो आदेश आज से ही प्रभावी है। तो अभी हम धनबाद के बिग बाज़ार के पास पहुँचे हुए हैं, जो कि कोला कुसमा में अवस्थित है, और आप देखिए कि यहाँ पर बिग बाज़ार खुली हुई है और जो कर्मचारी हैं वो लोग सैनिटाइज होकर अंदर जाएं, इसको लेकर उनके हाथ में अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र उनके हाथ में मौजूद है। अगर कोई शख्स प्रवेश करता है तो पहले उसके हाथों को वॉश कराया जाता है और साथ ही लगातार जो स्क्रीनिंग मटेरियल है उन्हें भी साफ़ सफाई, उसकी भी साफ़ सफाई की जा रही है, ताकि कोई व्यक्ति अगर उसको टच करके क्रॉस करता है तो वो अगर इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन किसी और बंदे को ना आए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। सीधे यहाँ पर बिग बाज़ार के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, और बिग बाज़ार ही नहीं बल्कि पूरे मॉल के पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभिषेक जी, बताइए किस तरह से आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं? हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, जब भी कस्टमर एंट्री हो रहा है DFMD के पास, हम लोग पूरा हाथ मुँह को सैनिटाइज करके वो DFMD को क्लीन कर रहे हैं, जैसे कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उस हिसाब से कस्टमर का हम लोग सहमति कर रहे हैं। हम लोग बीप भी कर रहे हैं कस्टमर को, ऊपर से हम लोग मेन गेट पे बाहर में सब जगह कोरोना वायरस का क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब डिटेल्स यहीं पर रखा हुआ है। जो भी कस्टमर आप देख पा रहे हैं, मेरा DFMD में लेडीज सिक्योरिटी, जेंट्स सिक्योरिटी है, कस्टमर आ रहे हैं सैनिटाइज करके हाथ जगह साफ करें, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग मैनेजमेंट का लड़का यहीं पर खड़े हैं, जो भी है बाकी इसके बारे में हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। एक चीज़ है, कल मुख्यमंत्री का आदेश आया था कि जितने भी मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, साथ में जो सिनेमा हॉल्स हैं और जो मल्टीप्लेक्स हैं, तमाम चीज़ों को फिलहाल 14 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया गया था, वो आदेश अभी तक पहुँची है या नहीं पहुँचे हैं? ठीक है, अभी तक मेरे पास जो आदेश का पहुँची हुए हैं इस पर बारे में शामिल थे, मेरे साथ है, सिनेमा हॉल बंद करने का टोटल है, अभी मॉल के बारे में उतना डिटेल्स हम लोग का आया नहीं है, अगर आता है इनकेस तो ध्यान देना, हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में इफेक्ट लेंगे और मॉल क्लोज करने की व्यवस्था करेंगे। बट अवेयरनेस के लिए आप लोगों ने यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर स्लोगन्स और वो फ्लैश वगैरह लगा रखे हैं ना? डेफिनेटली उसके लिए बारे में हम लोग सब कुछ प्रोस्पेक्ट सब कुछ रखा हुआ है, जैसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, अगर इस तरीके से कुछ अपडेट आता है तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग काम करने के लिए तैयार है, इसीलिए हम लोग दोनों तुरंत मेन गेट पर फॉलोअप कर रहे हैं, कुछ भी होगा आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, बाकी हम लोग देखते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने में आप ये जो पर्ची ये देख रहे हैं, एक जो स्टैंड लगाया गया है यहाँ पर, कोरोना वायरस को कैसे उससे लड़ना है, कैसे इन तमाम चीज़ों को इंटरटेन करना है, इसके बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें अंदर के मॉल की, तो वहाँ पर भी जो कर्मचारी हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा पहुँचता है तो नहीं हो। आप देख सकते हैं कि बिग बाज़ार खुली हुई है और चूँकि आदेश है तो ये आदेश को मानना चाहिए था। बहरहाल हम अगर जिस तरह से बिग बाज़ार प्रबंधन और जो तमाम जो मॉल का प्रबंधन है उसके उससे जो हमारी बात हुई, उनके तरफ से कहा गया है कि सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है, जो मल्टीप्लेक्स है वो बंद कर दिए गए हैं, और मॉल के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश इन्हें अभी तक लिखित में नहीं मिला है, और अगर वो भी अगर लिखित में आदेश मिलता है तो वो फिर उस पर आगे का काम करेंगे। बहरहाल हम लोगों से भी अपील करेंगे, मिरर मीडिया अपील करेगी कि इस वायरस को लेकर सचेत रहें, सावधान रहें, और सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, और साथ ही अपने सुरक्षा का ख्याल स्वयं रखें, और साथ ही अपने जो आपके साथ जो लोग हैं उन्हें भी और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखें, और इस वायरस को जल्द से जल्द खत्म करने में सरकार का सहयोग करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजकुमार जायसवाल, मिरर मीडिया, धनबाद।